Guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. Hi, my name is Anshika. If you're new here, don't forget to subscribe, like, share. So guys, आज के वीडियो में मैं अपने फेस को शेव करने वाली हूँ. मैंने एक वीक हो चुका है मैंने शेव नहीं किया है. उसके पहले मैंने दो बार कर चुका है, बस दो बार ही किया है पूरे लाइफ में. जितने बार किया था तो फर्स्ट टाइम मैंने बैंगलोर में किया था एंड देन सेकेंड टाइम मैं इधर ही की थी. एंड जो मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अजीब था, क्योंकि मैं उसके पहले इतना डर रही थी. मैं सोची कि मेरे को ज़्यादा हेयर्स ना आ जाए, मेरी स्किन को मैच, मतलब स्किन को सूट तो करने वाला है या ऐसा वैसा, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी. और जिसको पैची स्किन है, मतलब उनको जो पिंपल्स वम्पल्स बाहर रहते हैं, उनके एक्ने रहते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए इसको. एंड जिसके पास नॉर्मल स्किन है तो आप वो यूज़ ये वाला यूज़ कर सकते हो. तो मैंने यही वाला यूज़ करके रिमूव किया था. सो आई हैव यूज़ येलो कलर, मैं पिंक कलर यूज़ की थी फर्स्ट एंड देन पिंक कलर यूज़ की थी. एंड उससे कोई मतलब नहीं है कलर के, बट वैसे मैंने बोल रहा है कि फर्स्ट टाइम मैं उसको यूज़ की थी. एंड देन उसको जब मैंने रिमूव किया अपना फेशियल हेयर, तो बहुत इजी से मेरे को, मैं वो बहुत इजी से रिमूव कर ली थी, मैं करवाई थी एक्चुअली, तो बहुत इजी से उन्होंने रिमूव किया था. एंड देन मेरी स्किन बहुत ही क्लियर लग रही थी, बहुत ज़्यादा ही क्लियर लग रही थी. उसके पहले मेरे को बहुत हेयर्स थे यहाँ पे एंड मेरे ये अपर लिप्स पे थे एंड यहाँ पे भी बहुत सारे बाल थे, लाइट लाइट थे यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे इसकी वजह से मेरी स्किन की जो टोन होती थी ना, वो दूसरी दूसरी कलर की हो जाती थी. ये डार्क पोर्शन रहता था, नीधर डार्क पोर्शन ऐसा करके था. तो मैंने जब इसको शेव किया ना, तो मेरे को पूरी स्किन का कलर एक जैसा लगा. मेरे को बहुत अच्छा लगा करवा के, मैं बहुत ज़्यादा ही 10 out of 10 था. एंड मैंने सोचा कि अब इसके बाद तो मैं खुद से करने वाली हूँ, मुझे कहीं बाहर जाके करवाना तो नहीं पड़ेगा, मैं आराम से कर लूँगी. एंड उसके बाद अगर आप मेकअप लगाते हो ना तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है. तो उसके बेनिफिट्स क्या है, अगर आप इसको इससे करते हो ना अपने स्किन को क्लीन, तो आपका जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लगता है और आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस लगता है. तो आप उसको यूज़ कर सकते हो एंड आपकी स्किन क्लियर लगती है, ग्लोइंग लगती है एंड विदाउट मेकअप आप बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है. और मतलब और इसको जो यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब जिसके पास पिंपल्स और एक्नेस होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं, तो उनको ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब वो शेव करते हैं ना तो उस पर चोट लग सकती है, चोट लगने के बाद कोई एलर्जी भी फॉर्म हो सकती है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए. और जिसके पास नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल कुछ ऐसा चीज़ें हैं, तो आप उससे इससे कर सकते हो. तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो, मैं बताती हूँ कि हमें कैसे करना चाहिए, कितना ईजी और सिंपल है. एंड इसके बाद मेकअप लगाना है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. अगर आप कभी भी शादी उदी पर जा रहे हो एंड आपको ये जरूर करना चाहिए, फिर उसके बाद आप जाके मेकअप लगाओ ना, बहुत अच्छा लगेगा, तो आप कर सकते हो, ठीक है. तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. एंड हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और जरूर शेयर कर देना. हमारा पहला स्टेप है, अपने बालों को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे और फिर उसके बाद अपने फेस को क्लीन करना है. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लीन करना अपना फेस. अगर आप क्लीन नहीं करते हो तो आपका जो शेप अच्छे से शेप नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से आपको क्लीन करना है. तो मैं यहाँ पे फर्स्ट अपना टिश्यू से अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे फेस वॉश करने वाली हूँ. आपको फेस वॉश स्किप नहीं करना है और उसके बाद हम करने वाले हैं स्क्रब. तो आपको स्क्रब तो कुछ ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा और हल्के हाथों से स्क्रब करना एंड फिर उसके बाद हम अपने टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये रहा, आपको कहीं भी मिल जाएगा, आपको फ्लिपकार्ट नहीं तो अमेजोन में मिल जाएगा बहुत चीप रेट में. और फिर उसके बाद हम एलोवेरा जेल की हेल्प से, नहीं तो आप टोनर की हेल्प से अच्छे से रिमूव कर सकते हो अपने हेयर. और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप दूसरों का हेल्प ज़रूर ले सकते हो, लेकिन आप खुद से कर सकते हो, बहुत ईजी और सिंपल है. और आपको एक हाथ से पकड़ना है और दूसरे हाथ से सेव करना है, क्योंकि दोनों हाथ का हेल्प ज़रूर लेना है. वैसे मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे ली हूँ, ठीक है. तो आप ये देख सकते हो मेरा स्किन कितना गुना